क्या वो गाड़ियां क्रॉस करती हैं ना, आर दे गोना शूट एट देम, यहां पर ये देखना पड़ेगा कि ये शूट करते हैं कि नहीं, क्योंकि प्लेयर तो आ रहे हैं क्लोज टू क्लोज, क्लोज बाय आते हुए नजर आ रहे हैं। एक बगी रुकती है, दूसरी बगी यहां पर ही रुकते हुए नजर आएगी, नो सेकंड बगी हैज टेकन इट्स फ्लाइट ओवर देयर, आगे की तरफ आने की कोशिश। उधर ही देखा जाए अबूड हमारे पास यहां पर ही वेट ऑन करते हैं, नौ होते हुए नजर आएंगे बहुत ही आला तरीके से। एक प्लेयर हमारे पास बगी को राइट साइड नीचे लेके जाते हैं, एक लेफ्ट साइड की तरफ नीचे लेके जाते हैं, दोस्त के ऊपर पड़ते हुए नजर आएंगे, साइड स्कोर यहाँ पर थोड़ा सा डैमेज अपने लिए अटैक करते हुए नजर आएंगे, साथ ही साथ निकलते हुए भी नजर आ चुके हैं। सामने की तरफ अगर देखा जाए तो रेजर इज टैप टैप का स्प्रे यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं रेजर को, बट एट द सेम टाइम फिनिशर के साथ फाइट चल रही है, जहाँ पर टैप टैप फिनिशर लेके चले गए। साइड्स के गोस्ट को भी बहुत ही आला तरीके से टीम साइड यहाँ पर अपने दो बंदे नॉक करवा चुकी हुई है, जहाँ पर फिनिशर ने गोस्ट को तो एलिमिनेट कर दिया साथ साथ अभी। सो वी विल डेफिनेटली टेक अ लुक एट द सर्कल, जहाँ पर हमारे पास टीम रेड जो की है, एक साइड के जो अकेले प्लेयर बचते हुए नजर आ रहे थे, दैट वाज फोबिया, फोबिया पर राइट, फोबिया एक प्लेयर को नॉक करते हैं ज़ेन को, एंड ज़ेन उसी के साथ साथ फिनिशर बैक कवर के लिए आते हैं ज़ेन के पास और फोबिया को एलिमिनेट करते हुए नजर आएंगे। तीन किल फॉर दिस टीम राइट नाउ, क्योंकि एक प्लेयर साइड के जो अभी भी बचे हुए हैं, दैट इज गोना बी रिज़ोर, रिज़ोर पानी से पानी आगे आते हुए इस वक्त हमारे पास नजर आएंगे, यहाँ पर बचते हुए नजर आ रहे हैं रेज, उनके लिए एक यहाँ पर से हमारे पास मूविंग आउट कर रही है, एक पूरे का पूरा फ्लैंक मारने की यहाँ पर से कोशिश की जा रही है इनकी तरफ से। और रेजर की अगर मैं बात करूँ, रेजर यहाँ से उठते हैं, मारते हुए नजर आएंगे पंगी, पंगी से क्या यहाँ पर हमारे पास प्लेयर को गिराते हैं, नो ही ट्राइड हिज बेस्ट टू एलिमिनेट हिम, बट एट द सेम टाइम दोनों साइड से पड़ते हुए नजर आएगी फिनिशर एंड द अदर बॉय एज वेल। लेफ्ट वाले को पकड़ लेते हैं मेरे ओपन में, नहीं डाल दे, बहुत गंदा लिया भाई इसको, ये सब चेक ग्रेनेड बहुत आला तरीके से हमारे पास रेज की तरफ से, रेज यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए ग्रेनेड कर चुकी हुई है, सेकंड ग्रेनेड जाता है और वहां पर हमारे पास डिस्ट्रॉयर को थोड़ा सा डैमेज लगते हुए तो नजर आता है, बट क्या यहाँ पर हमारे पास डिस्ट्रॉयर को यहाँ पर रिवाइव मिलता है या फिर नहीं, क्योंकि अगर फिनिशर की बात करें, फिनिशर इज इन द बैक साइड, ग्रेनेड एक और कुक करते हुए नजर आ रहे हैं एंड ही इज गोना बी थ्रोइंग ओवर देयर, ये एक और ग्रेनेड जाने वाला है हमारे पास टीम क्वार्टी के पास, सेकंड ग्रेनेड लगते हुए नजर आएगा, वहां पर हमारे पास डिस्ट्रॉयर जो कि एलिमिनेट होते हैं, वुल्वरी इज गोना गो डाउन एज वेल, एक और ग्रेनेड जाता है, डैमेज थोड़ा सा लगते हुए नजर आएगा, खान इज गोना बी द फाइनल प्लेयर फॉर द टीम राइट नाउ, और देखना पड़ेगा कि हाउ दिस ग्रेनेड इज गोना मेक एन इंपैक्ट, जहां पर खान को थोड़ा सा डैमेज लगता है और खान अपना प्लेयर इस वक्त रिवाइव करने में कामयाब मोस्ट डेफिनेट हो चुके हुए हैं। इधर ही अगर देखा जाए फिनिशर की बात, फिनिशर इस वक्त वेट ऑन कर रहे हैं, ड्रिंक्स वगैरह लगाते हुए नजर आएंगे, ही इज लुकिंग एट द प्लेयर एज वेल, प्लेयर को देख लिया गया, खान के ऊपर स्प्रे, खान इज गोना गो डाउन, वुल्वरी हमारे पास जो बॉटम साइड पे तो नजर आ रहे हैं फॉर द स्प्रे, स्प्रे लगता है रेज फिनिशर का, मोस्ट डेफिनेटली एलिमिनेशन निकलते हुए नजर आएगी, एंड देयर इज गए 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 बस छोड़ गंदे मार दी, ऑल डेड, ऑल डेड। उसने 2v2 रह गया, जाएगी क्लोज रेंज में, हम लोगों को बताया, आप लोगों को बताया कि क्लोज रेंज में यहाँ पे हेलमेट एंड वेस्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हर एक टीम यहाँ पे जोन के अंदर पूरी तरीके से घुसने की कोशिश करे, बट यहाँ पे जोन के अंदर घुसना उतना ज्यादा इजी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे गेट कीप बहुत सारी टीम्स करी, यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे एक गेट कीप जा रहा है, टीम नंबर 12 यहाँ पे जोन के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, बट विदाउट यहाँ पे बहुत प्यारा एक नॉक भी देखने को मिलेगा टीम नंबर 7 की तरफ से, देखा पड़ेगा इसके बाद यहाँ पे पुश करने की कोशिश करते हैं बहुत बेहतरीन के साथ टीम नंबर 25 करें, बहुत ही प्यारा एक नॉक निकालने की कोशिश, बट यहाँ पे उनकी पूरी की पूरी टीम को भी फिनिश ऑफ किया जाएगा। तो बीजेएफ की टीम की तरफ से एक बार फिर से एक थोड़ा सा यहाँ पे डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस देखने को मिला, नहीं भी दिक्कत यहाँ पे पैदा होती है। टॉप 5 टीम में टीएक्सआर की मैं बात करूंगा, सोलो में स्टैंडिंग इनके भी रहेंगे, इनको भी बैक एंड साइड से यहाँ पे डाउन कर दिया जाएगा, टिकी नंबर 13 जो रहने वाली हमारी पुशर्स की टीम उनको भी यहाँ पे डाउन कर दिया जाएगा।
पेरिस बिटियार भाई यू प्रमोशन फेक था ब्रो, ऑलरेडी आपको बता दे उनको मैसेज हुआ है, बात हुई है, लेकिन उनका एक ऑफिशियल टूर नहीं चल रहा है तो वो लोग कैसे आ सकते हैं? ऑफिशियल टूर्नी को छोड़ के वो लोग अनऑफिशियल में आएंगे, ये कैसे बात है भाई? तुम भी तो थोड़ा सोचो। बात करेंगे मिनिमल प्लेस के बारे में, डाउन कर दिया जाएगा यहाँ पे टीम नंबर 13 को, पूरी की पूरी फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा, जो कि एक पुशर्स की टीम रहेगी उनको भी इसी मैच से हैशटैग 4 के ऊपर से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। बबलू की बात करेंगे, बबलू पिछले मैच के अंदर भी टॉप 4 के अंदर अपनी जगह बना चुकी थी 10 किल के साथ ही, इस मैच के अंदर भी टॉप 4 के अंदर जगह बना चुकी, टॉप 3 के अंदर जगह बना चुकी 8 किल के साथ ही यहाँ पे रहेंगे काफी बढ़िया तरीके से। सामने प्लेयर्स है, स्पॉट आउट यहाँ पे करना थोड़ा सा मुश्किल है, जॉर्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, एरर जॉर्ड रहेंगे सामने टीम नंबर 11 लेकिन ये कवर अब उतना काम नहीं रहेगा। अगर बात करेंगे ज़ियान के बारे में, ज़ियान यहाँ पे होल्ड करते हुए नजर आ जाएंगे। बाकी अगर बात करेंगे प्लेयर्स के बारे में, पब्लू की टीम के दानी इनको रिवाइवल करना पड़ेगा, रिवाइवल पर्टिकुलर टाइम के ऊपर प्रेजेंट रहेगा। एरर जॉर्ड बैक एंड साइड से अपने इंट्रैक्शन के साथ ही, लेकिन इनको भी डाउन कर दिया जाएगा। पब्लू निकाल के जाएगी ये प्यारा सा चिकन डिनर। किल की बात करेंगे, किल यहां पे रहेंगे टोटली इनके खाते में 9 किल चिकन डिनर, सेकंड पोजीशन रेज की लेगी। किल की बात करेंगे, किल इनके भी नजर आ जाएंगे। फिलहाल के आप लोगों को साथ के ऊपर आ चुके हैं, जहां पर प्रोफेसर और स्वैगर पहले एक दूसरे के सामने स्टैंड अप बनाए खड़े थे, लेकिन रिपर की पोजीशन काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर अगर यहां पर स्वैगर को नॉक भी देते हैं, रिपर जो है वो उनको ये किल कंफर्म नहीं करने देंगे। एलबी स्पोर्ट्स को बैक एंड से विजन की तरफ से एक जबरदस्त विजन की तरफ से नॉक पड़ता हुआ एल्म के प्लेयर्स रशन करेंगे। रेड के प्रोफेसर को इस सिचुएशन के अंदर कंफर्म कर दिया जाएगा। लादे बिल्कुल यहाँ पर जब प्रोफेसर कंफर्म हो जाएंगे, लेकिन टीम एल्म के प्लेयर्स यहाँ पर जब अग्रेसिव सांस लेकर जाते हुए टीम रेड के ऊपर रशन किया जाएगा। प्लेयर जब इस वक्त काफ़ी बुरी सिचुएशन में जाता हुआ नजर आएगा हमें टीम रेड स्पोर्ट्स का, लेकिन एल्म के गोल्स यहाँ पर रियलाइज नहीं करते कि उनके ही कॉम्पाउंड में सर्जियो मौजूद रहने वाले हैं। सर्जियो वर्सेस रीपर यहाँ पर जब होकर जा सकता है, जहाँ पर इगोइस्ट भी उनके साथ मौजूद रहेंगे, स्वैगर भी यहाँ पर आ जाते हैं। सर्जियो की पोजीशन काफ़ी कंप्रोमाइज हो जाएगी, बिकॉज जैसे ही ये प्लेयर अपने स्टेप्स देता है, जैसे प्लेयर यहाँ पर जब मोमेंट देगा, जैसे ही मैप पर जब वो सिग्नेचर आएगा टीम एल्म के पास, एल्म इज गोना मेक श्योर कि वो रशन करते हुए जाएं। गोरिस यहां पे बिल्कुल सामने जाएंगे, सर्जियो डैमेज देंगे, सर्जियो पर जब डैमेज दे भी जाएगा, लेकिन बैक एंड से मूव करते हुए बैक एंड से नॉक निकालते हुए प्लेयर यहां पर टीम एल्म के प्लेयर नॉक निकाल देंगे, लेकिन उनके ऊपर भी नॉक डील आउट किया जाएगा। सर्जियो यहां पर क्या 1v3 कर पाते हैं देखना पड़ेगा। वेक्टर के साथ कॉर्नर निकालते हुए एक और नॉक निकाला जाएगा, कैन ही डू अ 1v3 ये देखना पड़ेगा। लेकिन रीपर यहां पर डिफरेंट एंगल पे आते हैं, काफी लो किया जाएगा उनकी तरफ से एल्म वर्सेस रेक्टिस बोस की फाइट में। एक बार फिर से रिपर यहां पर 1 HP कर जाएंगे, बाहर आते हैं 1v3 तीसरा नॉक निकाला जाएगा, विन यहां पर अकेले रह जाते हैं टीम रेक्टिस बोस के। सर्जियो ही इज ऑन एन इंटेंस डोमिनेशन, जहां पर एक प्लेयर 3 नॉक निकाल देगा।